हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप आसानी से इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं और बहुत इजीली। दोस्तों, इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन कभी कभी फिजिक्स में अप्लाई होता है या मैथमेटिक्स में भी अप्लाई होता है, तो मैं आज आप लोगों को इसका एक स्मॉल सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक रूल नंबर बताऊंगा जिस रूल से आप किसी भी इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन को आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है, ये हम सभी को पता है, 1:1 होगा इसका आंसर। और अब दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप कैसे कर सकते हैं बहुत इजीली। तो पहला आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर जो पहला वाला दोनों 1:1 है, इस 1:1 सिरा को इस टाइप से ड्रॉ कर दीजिए और दूसरा जो 1:1 सिरा है, इसको इस टाइप से ड्रॉ कर दीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको इस तरफ से देखना है, मतलब वर्टिकली देखना है कितना कितना डॉट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पर 1 डॉट प्रेजेंट है यहाँ पर, और दूसरा डॉट प्रेजेंट है और यहाँ पर 1 डॉट प्रेजेंट है। तो फिर इसका आंसर होगा 1:1। अब दोस्तों, और एक मैथमेटिकल फॉर्म है 1:1:1 × 1:1:1। अब इसका भी आंसर हम इस तरह टाइप से निकल सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। इसमें तीनों 1:1 है, सो तीनों यहाँ पर 1:1 को लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये आ गया तीनों लाइन। अब यहाँ से अब हमको देखना है कितना डॉट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फिर देखते हैं दोस्तों, ये बहुत आसान मेथड है। इससे आप कितना भी बड़ा 1:1 का मल्टीप्लिकेशन हो, आप इजीली कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर है 1:2:3:2:1 इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा ये। अब दोस्तों, सेम प्रोसेस से आप यहाँ पर निकल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख लेते हैं क्या आता है। तो फिर यहाँ पर है 1:2:3:4:5:6:2:3:4:5 और यहाँ पर और एक मैं दे देता हूँ 6। तो फिर यहाँ पर हमको 6 लाइन ड्रॉ करना है। दोस्तों, कितने इजीली प्रोसेस है। और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1:2:3:4:5:6:5:4:3:2:1। तो ये होगा इसका आंसर। तो इस टाइप से आप इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन को आसानी से निकल सकते हैं। अब दोस्तों, जो दूसरा मल्टीप्लिकेशन है, ये है इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पर कुछ अलग नंबर और यहाँ पर कुछ अलग नंबर। इसके लिए भी हम सेम रूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर तीनों और यहाँ पर दो। अब दोस्तों, इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है। फर्स्ट बात, यहाँ पर और यहाँ पर ये आएगा 1:1, और यहाँ पर जो आएगा इससे ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी यहाँ से ऐड होगा, और ये पॉइंट और ये पॉइंट भी यहाँ से ऐड होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ से देखने से पता चलता है ये 2, और यहाँ से देखने से पता चलता है 2। और दोस्तों, यही आएगा रिजल्ट यहाँ में। और सेम चीज़ यहाँ पर आएगा, अगर मैं इसको ऐसा करूँगा तो यहाँ पर और यहाँ पर आएगा 1:1, और यहाँ से यहाँ पर आएगा टू। तो फिर इस ये तरह से हम किसी भी इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन को आसानी से निकल सकते हैं। और यहाँ पर आएगा 1:1, और दोस्तों, यहाँ पर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन वर्टिकल है, तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं हम 2। अब दोस्तों, यहाँ से 1:2 एंड 3 ये आएगा, ये एक लाइन में है, तो फिर 3 यहाँ पर होगा,
और 1, 2, 3 और ये भी एक लाइन में है तो फिर ये एक लाइन होगा। तो इस टाइप से हम किसी भी टाइप का इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन को आसानी से निकल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम लोग इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन या इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन और इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन को आसानी से निकाल सकते हैं एक सिंपल मैथमेटिकल लाइन फॉर्म के जरिए। तो दोस्तों आशा रखते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।